नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, स्वागत है आपका मिडडे खबर में। पहली खबर का रुख कर रहे हैं 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्वी यूपी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मिशन यूपी पर हैं। प्रियंका ने राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से अपना संपर्क अभियान शुरू किया। प्रियंका बुधवार को लखनऊ होते हुए अमेठी पहुंची। एक दिन बाद गुरुवार को उन्होंने सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया, जिसके बाद वो आज अयोध्या पहुंचेंगी। आपको बता दें कि प्रियंका अयोध्या में कुमारगंज से हनुमानगढ़ी तक 9 जगहों पर लोगों से बातचीत करेंगी। साथ ही प्रियंका 3 जगह पर नुक्कड़ सभा भी करेंगी। हालांकि प्रियंका अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगी या नहीं करेंगी यह तय नहीं हुआ है। तो आज प्रियंका गांधी वाड्रा अयोध्या के दौरे पर हैं। इससे पहले वो पिछले 2 दिन अमेठी और रायबरेली में थी, जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की, जनसंपर्क स्थापित किया, जिसके बाद आज वो अयोध्या के दौरे पर हैं। वहां जाएंगी, लोगों से बातचीत करेंगी, मुलाकात करेंगी। हनुमानगढ़ी होते हुए वो वहां पर मिशन 2019 को साधने की पूरी कोशिश करेंगी और मिशन पर निकल चुकी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, और आज उनका अयोध्या दौरा है। लगातार प्रियंका गांधी की तरफ से लोगों से जनसंपर्क स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले भी 3 दिवसीय दौरे पर थी प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में, जिसमें हमने देखा कि वो 140 किलोमीटर लंबी बोट यात्रा भी इस दौरान उन्होंने की, और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। वाराणसी का भी उन्होंने इस दौरान दौरा किया। वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने दौरा किया। इसके बाद आज वो अयोध्या जा रही हैं। इससे पहले वो अमेठी गई थी। अमेठी राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, भाजपा ने वहां से स्मृति ईरानी को भी उतारा हुआ है, तो कड़ा मुकाबला वहां देखने को मिलेगा राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में। और वहां पर प्रियंका गांधी एक दिन पहले गई थी और वहां पर लोगों से बातचीत की थी। कल रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थी। वो उनकी माँ यानी कि सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से वो सांसद हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर लोगों को साधने की कोशिश हो रही थी। तो कल प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में मौजूद थी। आज उनका अयोध्या दौरा है और वो अयोध्या जाएंगी। वो वहां जाकर रामलला के दर्शन करेंगी या नहीं करेंगी, ये बात फिलहाल साफ नहीं हुई है। प्रियंका अयोध्या में कुमारगंज से हनुमानगढ़ी तक 9 जगहों पर लोगों से बातचीत करेंगी। साथ ही प्रियंका 3 जगहों पर नुक्कड़ सभा भी करेंगी। और हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ नवीन निगम जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही विवेक श्रीवास्तव जी भाजपा से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विवेक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज जो है अयोध्या जाने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 5 सालों से वहां पर नहीं गए हैं, और अब प्रियंका गांधी का वहां पहुंचना क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, प्रियंका जी को पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी गई है, और राहुल गांधी कह चुके हैं कि प्रियंका जी के इस मेहनत का परीक्षण 2022 के विधानसभा चुनाव में करेंगे। उनके दौरों का लोकसभा चुनाव से कोई सीधा संबंध नहीं है। वो अपने संगठन को मजबूत करने काम में लगी हुई हैं, और वो जगह जगह जा कर के कांग्रेस के संगठन को जीवित करने का प्रयास कर रही हैं। तो उनका ये दौरा है, उनको करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अयोध्या में वो हनुमानगढ़ी तक जा रही हैं, रामलला के दर्शन को नहीं जा रही हैं। उन्हें जाना चाहिए रामलला जी। नहीं, अभी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है उनका कि जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है। अगर नहीं जाएंगी तो फिर क्या आपकी तरफ से? भाई, अगर जाती तो अच्छा रहता। जो हनुमानगढ़ी तक जा रही हैं तो रामलला तक उनको जाना चाहिए, और अगर नहीं जा रही हैं तो कहीं ना कहीं लोग ये कहेंगे कि भाई इन्हीं की पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के राम सेतु के अस्तित्व पर ही प्रश्न लगाया था, रामलला के ही अस्तित्व पर प्रश्न लगा रखा है, तो किस मुंह से जाएंगी? अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा होता है फिर, जब आपने कहा कि वो नहीं जा रही हैं, उनको जाना चाहिए वहां पर, अगर नहीं जाती हैं तो। लेकिन आपने कहा कि जो है सवाल भी उठाया राम को लेकर, लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को भी रखा, और पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 5 सालों में उनको इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो अयोध्या हो आते, मंदिर जाते ना जाते लेकिन अयोध्या ही हो आते। क्योंकि हमने वहां पर संतों को देखा, वो धरने पर भी बैठ गए कि हम जो है खाना पीना भी छोड़ दिया कि नरेंद्र मोदी आएंगे तभी हम खाना खाएंगे। देखिए, संतों की आस्था उस रामलला के मंदिर को लेकर के है कि वहाँ पे रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए,
उसमें कांग्रेस के द्वारा इतनी अड़चनें पैदा की गई, जो कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मुकदमे की सुनवाई जुलाई 19 के बाद हो, और हर मौके पे कांग्रेस से जो वकील इस मुकदमे में लिप्त हैं उन लोगों ने इस मामले को लटकाने की कोशिश की, पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस मुकदमे को लटकाने की कोशिश की, जब तक अखिलेश यादव की सरकार रही सुप्रीम कोर्ट में एक भी पन्ने का अनुवाद नहीं दाखिल किया गया, जो हाई कोर्ट के फैसले से जो दस्तावेज वहाँ गए थे, जब योगी जी की सरकार बनी तब जाकर के उसका अनुवाद शुरू हुआ और अनुवाद दाखिल किया गया, तब वो जाकर के कहीं मुकदमा ट्रैक पे आया सुनवाई के लायक, और हम लोग प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी इस मुकदमे का निपटारा हो जाए। ठीक है, हमें भी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि वहाँ पे फैसला आ जाए। रामलला को टेंट में देखते तो सबकी आंखें पथरा गई हैं, अब हम लोग रामलला का भव्य मंदिर देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। नवीन जी आपके पास आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं अयोध्या जाना प्रियंका गांधी का और राहुल और जो है पीएम नरेंद्र मोदी का एक बार भी प्रधानमंत्री बनने के बाद ना जाना, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो अभी बात हो रही है प्रियंका गांधी का, वहाँ जाएंगे रामलला का दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि वहाँ जाएंगे, मेरा जो अपना आकलन है, क्योंकि राम हनुमानगढ़ी तक जा करके हनुमानगढ़ी के दर्शन करना और चले आना, तो ये तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो लोग भी सियासत कर रहे हैं या प्रियंका गांधी के दौरों को प्रायोजित कर रहे हैं, उन्होंने ये जानबूझ के एक बीच में लाइन छोड़ दी है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जिससे कि सारा मीडिया और सारे लोग इस दौरे पर निगाह रखें। देखिए, सारा प्रचार का खेल है, अगर हम ये कुछ क्योस कर देंगे, उन्होंने क्योस कर दिया कि हनुमानगढ़ी तक जाएंगे और उसका राम मंदिर ना जाए रामलला के, लेकिन वो मेरा जहाँ तक आकलन है कि इस घड़ी में, इस चुनाव की इस बेला में अगर प्रियंका गांधी कहीं नहीं गई वहाँ पर, तो ये तो बहुत बड़ा समझ लीजिए कि सुसाइड नोट हो जाएगा कांग्रेस के लिए। तो मुझे लगता है कि वो जाएंगे, एक तो बात ये क्लियर आप समझिए, अगर ऐसा करना अब कांग्रेस के लिए समय बर्दाश्त, जब वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ गए हैं तो वो इतनी बड़ी गलती चूक कर जाएं और भाजपा के लिए मतलब इतना बड़ा गोल करने का मौका दे दें, ऐसा मुझे लगता नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं गए, प्रधानमंत्री का ना जाने का एक सिम्बॉलिक भी है मामला, कि वहाँ पे राम मंदिर के प्रति जो बीजेपी की आस्था है या जो नरेंद्र मोदी का अपना स्टैंड है, उसको लेके वो जाए ना जाए उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के दिल में और क्या है और क्या माने जाते हैं हिंदू। लेकिन नवीन जी, वहाँ पे जिस तरह से संतों ने ये बात कही कि जो है नरेंद्र मोदी आए और जो है क्यों नहीं आ रहे हैं, वो जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, क्या एक बार भी 5 साल में उनको नहीं जाना चाहिए था? नहीं गए क्योंकि हर जगह गए, यूपी में उन्होंने सभी स्टेट्स में गए, हर जगह गए, चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भी गए, चुनाव के दौरान भी गए, लेकिन अयोध्या जाना एक बार प्रधानमंत्री, क्योंकि भाजपा जो है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जो है सत्ता में जो है विराजमान है और उसी चीज विकास भी है, लेकिन हिंदुत्व भी एक बड़ा मुद्दा है और उसी को लेकर राम मंदिर जो है अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, और वहीं ना जाना एक क्या जो है दिखता इसका है? एक कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री का वहाँ पे जाना जो है ये माना जाएगा कि अब मंदिर के लिए एकदम तैयारी है। प्रधानमंत्री अगर चले जाते हैं किसी मामले में, या पहले भी गए होते तो वैसे शिवसेना के अध्यक्ष तक गए, सब लोग गए, लेकिन प्रधानमंत्री, भाजपा के बहुत सारे नेता जाते रहते हैं, राजनाथ सिंह भी जाते रहते हैं, सब जाते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जाना ही इसलिए नहीं हो पाया कि साधु संत एकदम नाराजगी प्रकट करते हैं वहाँ पे बहुत, तो बीजेपी को वहाँ पे थोड़ा सा खामियाजा भी भुगतना पड़ता कि वहाँ पे साधु संत एकदम घेर लेते प्रधानमंत्री को कि भाई आप ही बनवाइए, आपको बनवाना है आप, क्योंकि सारे देश में जितने भी साधु संत हैं या हिंदू जनमानस है वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ ही देखेगा कि भाई, तो वो उससे जुड़े हुए, उनका ना जाना मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सियासी बीजेपी के लिए नुकसान है। लेकिन अगर प्रियंका गांधी वहाँ नहीं गई आज दौरे में, तो उनके लिए सियासी नुकसान हो सकता है। अच्छा विवेक जी आपके पास आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं प्रियंका गांधी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का उनको प्रभारी बनाया गया है और वो लगातार जो है जगह जगह जाकर जनसंपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं, तो कितना फायदा आपको लगता है, क्या आपको कोई नुकसान उठाना पड़ेगा इस चीज का? देखिए, हमारा कार्यकर्ता 365 दिन भाजपा का काम करता है, हमारे कार्यकर्ता बूथों पर मोर्चा संभाल चुके हैं। प्रियंका गांधी का जो प्रयास है वो अपनी बिखरी हुई कांग्रेस को ढूंढ रही हैं, सड़क से जा कर के, नाव से जा कर के, ट्रेन से जा कर के, अभी उनको इस प्रयास को परिणाम में पहुंचाने में मुद्दत लगेंगे। हमारा उनका कोई मुकाबला जमीन पे नहीं है, वो अपना संगठन ढूंढ के खड़ा कर ले यही बहुत है। अभी जो बार बार आपने नरेंद्र मोदी जी के रामलला
के जन्म स्थान पर जाने की बात कही, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ करके आते हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट दे के आते हैं। वहाँ अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि स्थल पर जा करके वो बेचारे क्या करेंगे, जहाँ हर तरफ तो स्टे लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट का, कुछ करने की स्थिति में सरकार हो तो जाए भी। अच्छा विवेक जी, यहीं पर मेरा ये क्वेश्चन भी है कि सबको पता है कि जो है कोर्ट में केस चल रहा है और वहीं से जो है फैसला निकलना है, लेकिन बावजूद इसके जो है आपके मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा क्या करता है? ये देखिए, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। हम ये बताते हैं कि हम इस आस्था के साथ खड़े हैं, हम वहाँ पे भव्य मंदिर निर्माण के समर्थक हैं, उसको चाहते हैं। मैनिफेस्टो का मतलब तो ये होता है ना कि आप उन चीजों को पूरा करेंगे। बिल्कुल, मैनिफेस्टो का मतलब तो यही होता है कि पूरा करेंगे। बिल्कुल, लेकिन करेंगे। जो चीज आप पूरा कर ही नहीं सकते, आपके कार्य क्षेत्र में ही नहीं है, नहीं, उसको आप अपने मैनिफेस्टो क्यों में नहीं करेंगे भाई? आज नहीं है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में आता तो ठीक, नहीं उसके बाद सरकार विचार करेगी। तो क्या मतलब बीजेपी वाले जो है वहाँ पे जो है ईंटा गारा लेके जाएंगे, ये चीज नहीं। देखिए, राजनीतिक दल का काम ईंटा गारा लेके जाना नहीं, मंदिर निर्माण नहीं। मंदिर निर्माण वहाँ पे निर्मोही अखाड़ा करेगा, विश्व हिंदू परिषद करेगा, हम उसमें सहयोगी हैं। ठीक है, ठीक है, हम उसका मार्ग प्रशस्त। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहे इंडिया वॉच। हम कवर नहीं, खबर खोदते हैं।